सिनेमा रिव्यू में मैं भावना सुमाया आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते दो रिलीजेज है और दोनों बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से है। एबी कॉप की बुड्ढा होगा तेरा बाप और आमिर खान प्रोडक्शंस की दली बेली। दोनों बिल्कुल ही अलग टेम्परमेंट और जानर की फिल्में हैं। दली बेली हिंदी और इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल फिल्म है और बुड्ढा रेगुलर हिंदी मेनस्ट्रीम सिनेमा है। दली बेली यंगस्टर्स पर अदब की लगाम को ढीली छोड़ती है, बुड्ढा सीनियर सिटीजंस को जोश में आने के लिए उत्साहित करती है। चलिए बात करते हैं पहले दली बेली की। डायरेक्टर अभिनय देव ने दली बेली करीबन 3 साल पहले कंप्लीट कर दी थी, मगर क्योंकि आमिर खान के पास पोस्ट प्रोडक्शन के लिए समय नहीं था, फिल्म की रिलीज पोस्टपोन की गई। कहानी 3 रूममेट्स की है, ताशी, आरूप और नितिन। ताशी यानी इमरान खान क्राइम रिपोर्टर है। अरूप यानी वीरदास एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कार्टूनिस्ट है और नितिन यानी कुणाल कपूर न्यूज़पेपर फोटोग्राफर है। तीनों अपने काम में निपुण है मगर अपनी पर्सनल जिंदगी में गैर जिम्मेदार और अनफोकस्ड है। फिल्म के टाइटल्स आपको पूरी तरह से फिल्म के कंटेंट के लिए तैयार करती है, इसके बावजूद आपको बार बार जोर के झटके पिलते रहते हैं। सरप्राइज। ये समझ में आता है कि ये एक अलग प्रकार की कॉमेडी है जो अब तक हमने हिंदी सिनेमा में कभी नहीं देखी। फिल्म के सॉन्ग्स, सिचुएशंस, पेस, पैकेजिंग, टेक्निक, ट्रीटमेंट अनदेखी है और अनोखी भी है, और इसका पूरा श्रेय जाता है फिल्म के डायरेक्टर अभिनय देव, राइटर अक्षत वर्मा के कैरेक्टर्स बिल्कुल अनकन्वेंशनल है जो शायद एक NRI ही लिख सकता है। I'm getting married. Yeah, I thought this wasn't happening till like next year. Till the moment they chop his head off, man. The goat thinks he's going for a walk in the park. You met my friend Nitin, the serial rapist. Just. Hello. ये शादी नहीं हो सकती। कंपोजर राम संपत का म्यूजिक और बहुत सारे गाने फिल्म के विषय से बिल्कुल संबोधित है। फिल्म का कैमरा वर्क, एडिटिंग, सारे परफॉर्मेंस की कॉमिक टाइमिंग, खास तौर पे कुणाल कपूर और LA एक्टर पूर्वा जगन्नाथ लाजवाब। गर्ल शी डजंट गिव मी अ गुड फीलिंग। माय हस्बैंड। ये सारे प्लस पॉइंट्स के बावजूद फिल्म में बोली गई ढेर सारी गालियां और रेपिटेटिव टॉयलेट जोक्स आपको एक हद के बाद रिपल्स कर देती है। फिल्म में अश्लील भाषा तो है ही, मगर साथ साथ बेअदब व्यवहार और बहुत सारे अनडिग्निफाइड दृश्य दर्शाए गए हैं। बात सिर्फ अश्लील भाषा की नहीं है, बात मोरालिटी की भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के ज्यादातर यंगस्टर्स ऐसे ही होते हैं। इसलिए बात पुराने ख्यालात की तो बिल्कुल नहीं है, बात सभ्यता की है और उससे भी ज्यादा शायद बात पर्सनल एस्थेटिक्स की है। कुछ दर्शक के लिए ऐसी बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, मेरे लिए रखती है। दली बेली को मिलते हैं 3 स्टार्स। और अब बारी है बुड्ढा होगा तेरा बाप की। बीप की बीप। क्या बोला? गाली दिया मैं। कौन सी गाली? बीप की बीप। जब भी मेरा मन गाली देने को करता है तो मैं बीप बोलता हूँ।
इससे दो चीज होता है, एक तो मेरा जवान साफ रहता है और दूसरा सामने वाले की इज्जत का बीप लग जाता है। बहुत बड़ा बीप है यार, तू बीच में मत बोल। चुप चुप, वरना इसी से गालियां दूंगा, सेंसर बोर्ड भी परेशान हो जाएगा, कौन सी बिठाए कौन सी ओढ़े। ये कहानी है एक सुपरस्टार की, जिन्होंने अपने 40 साल के करियर में हमारा भरपूर मनोरंजन किया है। अपने लंबे करियर में उनको जैसी कहानी और किरदार मिलते गए, वो हमें हंसाते और रुलाते गए। कभी बहुत ज्यादा गुस्से में, कभी बहुत ज्यादा हंसमुख, कभी छेड़छाड़ नाच गाने और कभी हद से ज्यादा उदास। आज के हीरोज की तरह वो सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी या एक्शन हीरो ना होते हुए एक संपूर्ण कलाकार है, यानी एक कंप्लीट एंटरटेनर माने गए हैं। अमिताभ बच्चन के राइटर्स और संगीतकारों ने उन्हें जैसे रंगों और ढांचे में ढाला, वो रंगते और ढलते चले गए। समय आने पर वो हीरो से हीरो के बाप और कभी दादा बन गए, मगर उनके जोश और रुतबे में कोई फर्क नहीं आया। वो अब भी प्यार मोहब्बत और कभी चोर कभी पुलिस का खेल खेलते रहे। अब उन्हीं की मेमोरेबल फिल्मों से प्रेरित और उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए डायरेक्टर जगन्नाथ पुरी लाए हैं एक ऐसी धमाकेदार फिल्म जो ताजा करेगी विंटेज अमिताभ बच्चन की यादें। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। थोड़े सारे नियम तोड़े, थोड़े थोड़े सर्दी फोड़े, चूहे बनके जीवन दौड़े, बुड्ढा होगा तेरा बाप। बुड्ढा होगा तेरा बाप में मिलेंगे आप एक पेरिस रिटर्न डिजाइनर गॉगल स्कार्फ और दो घड़ी पहनने वाले चोर अमिताभ बच्चन को, और उनके हमशक्ल बेटे की भूमिका में सोनू सूद। चोर बड़ा ही रंगीले मिजाज का है, लड़कियों और गुंडों से बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है। ए बुड्ढे, सेक्सी। सुना आपने? फिल्म की कास्टिंग, खास तौर पे विलन की भूमिका में कन्नड़ा सुपरस्टार प्रकाश राज, माशुका के रोल में रवीना टंडन और बच्चन की बड़ी के रोल में चार्मी, बहुत ही एंटरटेनिंग है। फिल्म में बहुत सारे यादगार पल हैं जो आपको हंसा हंसा के पागल कर देंगे, जैसे विज्जू जब बार में मकरन देशपांडे को अपनी कहानी सुनाता है, या फिर जब वो बड़ी के घर दावत पर जाता है और रवीना टंडन को बरसों के बाद मिलता है, या फिर वो कमाल का लम्हा जब विज्जू रवीना और हेमा एक मॉल में मिलते और बिछड़ते हैं और बैकग्राउंड में तीनों के अलग अलग गाने बजते हैं, मगर फिल्म का हाईलाइट बच्चन के एवरग्रीन गाने पर आधारित एक लंबी और शानदार मेडली है जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट निश्चित है। ये फिल्म टिपिकल फॉर्मूला फिल्म होते हुए इसमें दिल भी है और दिमाग भी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से रोबोट रजनीकांत की और दबंग सलमान खान की आज एक पहचान बन गई है, बुड्ढा सीनियर बच्चन की मस्ती भरी फिल्मों में हमेशा गिनी जाएगी। बुड्ढे उल्का मैं स्कूल। अरे देख भी सकता है कि नहीं? जेब खुला है तेरा, बंद कर। सीख लो सब कहो तो मैं सिखा। बुड्ढा में एक और खास बात है जिसका जिक्र करना जरूरी है। आमतौर पे एक्टर्स अपने पुराने अवतार में अपनी ही नकल उतारते हैं। अमिताभ बच्चन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने खई के पान बनारस वाला और रंग बरसे को एक नया ही रूप दे दिया है जो उनके आज के दौर में सूट करता है। बरसे भीगे चुनार, बाली रंग
बुड्ढा होगा तेरा बाप को मिलते हैं 4 स्टार्स और चारों के चार बच्चन साहब के लिए। तो ये था इस हफ्ते की रिलीज़ का रिव्यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।